आज की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं गुरदीप। वो सबसे बड़ा तोहफा गिफ्ट किया है और ये तोहफा किसने दिया है, क्यों दिया है, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। 6 मई से होने वाली कथाओं से पहले ही यह तोहफा देने का संकल्प उन्होंने लिया था और ये तोहफा उन्होंने गुरुदेव को दे दिया है। आखिर इतना बड़ा तोहफा गुरुदेव को क्यों दिया है, इतनी बड़ी रकम डाल करके यह तोहफा क्यों दिया है और इसके पीछे का कारण क्या है, यह तोहफा देखकर गुरुदेव बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। क्योंकि इतना बड़ा गिफ्ट दे करके गुरु जी का दिल जीत लिया। आखिर किसने दिया, क्यों दिया, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जो व्यक्ति हर हर महादेव लिखेगा, महादेव की कृपा उसके ऊपर तत्काल ही हो जाएगी। जैसा आप सभी स्क्रीन पर गुरुदेव की कुछ पिक्चर्स देख पा रहे हैं, गुरुदेव इतने प्रसन्न नजर आती हैं, बहुत ही ज़्यादा भक्त इनको प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके एक झलक पाने के दीवाने होते हैं। तो चलिए हम जानते हैं गुरुदेव को कौन सा तोहफा आज किसी ने गिफ्ट किया है। आज राघव मिश्रा की कथा का अंतिम दिन है और कथा प्रारंभ होने से पहले ही किसी ने बहुत बड़ा तोहफा गिफ्ट कर दिया है। जैसा आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों में पूज्य गुरु जी के साथ में क्या क्या हुआ, उनके मद्देनजर रखते हुए लोगों की दुआएं प्रार्थनाएं काम आईं और गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो गया। नारियल लगने की वजह से गुरु जी के सिर में चोट आई थी और जिस वजह से गुरु जी को अस्पताल जाना पड़ा और जिस वजह से लोगों जो उससे महाप्राण कथाओं का आनंद ले पाते वो उससे महाप्राण कथाएं लोग नहीं सुन पाए। गुरु जी को बहुत ही इस बात का दुख है और गुरु जी ने इनसे महाप्राण कथाओं को आगामी वर्ष में कराने का संकल्प लिया है। पूरा खर्चा विठले सेवा समिति की ओर सीहोर से ही उठाया जाएगा और ये कथाएं उसी समय पर उसी तारीख को होने वाली हैं। बस फर्क इतना है कि ये साल 2024 में न होकर 2025 में होंगी। तो गुरुदेव को कौन सा तोहफा मिला है तो आपको बता देते हैं, गुरुदेव को मिली है किया सोल्टोस, यानी कि किया सोल्टोस मिलने से गुरुदेव बहुत ही खुश हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किया सोल्टोस क्या है, तो आपको बता दें कि सोल्टोस एक नई कार है जो गुरु जी को किसी ने गिफ्ट की है। गुरु जी को ये जो कार दी थी ये सरप्राइज के तौर पर दी है। इस सरप्राइज की बात करें तो इस कार का जो मूल्य है वो 10 लाख रुपए है। गुरुदेव देखकर बहुत ही खुश हो गए और गुरु जी ने कहा ये सब करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने कहा कि मेरे बाबा महाकाल हैं तो आप लोगों को इन सब चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनका हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। गुरुदेव के प्रति इतना ज़्यादा भक्ति भाव को देखकर लोगों के मन में इतना प्रेम उमड़ा है कि गुरुजी सिर्फ देखते रह गए, कुछ भी अपने मुख से उन्होंने नहीं बोला। बहुत ही खुशी की बात है। भगवान शिव हमेशा हर शिव भक्त को ऐसा करे कि वह गुरुजी को कुछ न कुछ उपहार स्वरूप अवश्य दे, गुरुदेव को कुछ न कुछ बड़ा दे सके। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अब आपको बता देते हैं कि ये कार जो है किसने गिफ्ट की है। तो आपको बता दें ये कार गुरुजी के एक भक्त है जिनका नाम है दिनेश साहू मित्र मंडली, उनकी तरफ से ये गुरुजी को भेंट की गई है। गुरुजी का स्वास्थ्य अच्छा होने के उपलक्ष्य में ये कार उनको गिफ्ट की गई है। जब गुरुजी जो स्वास्थ्य था वो बिल्कुल खराब हो गया था, नारियल लगने की वजह से गुरुजी को परेशानी आई थी, तो उस समय दिनेश साहू मित्र मंडली ने ऐसा बोला था कि जब गुरुजी अच्छे हो जाएंगे तो हम इनको कार गिफ्ट करेंगे। बस यही कार गुरुजी को गिफ्ट की गई है और ये गुरुजी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को कैसा लग रहा है, आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।